हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। बहुत ही रैंडम सा वीडियो है, इसीलिए नो सेटअप, नो मेकअप। जस्ट अभी मैंने ब्रेकफास्ट, मतलब सुबह नहाया, अभी आप देख सकते हैं बाल बिल्कुल सूखे भी नहीं है। ब्रेकफास्ट किया और अब बारी आती है ग्रीन टी की। आप लोगों ने अगर मेरा आज का ब्रेकफास्ट देखना चाहते हैं तो आप मेरे कल के वीडियो में जाइए तो आपको मिल जाएगा, बिकॉज मैं इस समय पर ही ले रही हूँ अपनी डाइट में। बहुत अच्छा इंच लॉस हुआ है, बहुत अच्छा वेट लॉस हुआ है। तो बारी आती है ग्रीन टी की। देखिए, ग्रीन टी एक ऐसी चीज़ है, अगर आप गलत तरीके से लोगे तो बॉडी पे बहुत हार्म करेगा। मतलब वेट गेन नहीं होगा, वेट लॉस भी नहीं होगा, लेकिन आपके लीवर डैमेज होने का खतरा रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आपको पेट में जलन सी रहेगी, गले में जलन सी रहेगी और बहुत, मतलब बहुत बुरा सा फील होगा। अगर हाँ, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर आपने ग्रीन टी अच्छे से नहीं ली है। नॉर्मली बहुत से लोगों की बॉडी बहुत ज़्यादा हीट होती है, हीटिंग रहती है उनकी बॉडी में, जिसकी वजह से वो ग्रीन टी नहीं ले सकते हैं, या फिर जिनको अल्सर की प्रॉब्लम हो, या फिर जिनको ऑलरेडी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, या जिनको ऑलरेडी जो है गले जलने की प्रॉब्लम हो, उन सब के लिए आज मैं एक चीज़ लेके आई हूँ। साथ ही साथ आज का जो मैं ग्रीन टी की रेसिपी लेके आई हूँ, ये भारती सिंह स्पेशल जो है ग्रीन टी है, जो है टी है, जिसको नॉर्मल ग्रीन टी नहीं बनाना है, जिस तरह से मैं बताऊँगी उस तरह से आपको बताना है, जस्ट लाइक भारती सिंह की तरह, जिससे आपके पेट में एक बहुत अच्छी सी जो है वाइब्स रहेंगी, बहुत अच्छा रहेगा आपका, खुशनुमा पेट रहेगा, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहोगे, वेट लॉस बहुत स्मूथली होगा, पेट में जलन नहीं होगी, गले में जलन नहीं होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहोगे, पेट को कूल करेगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर पेट में गर्मी है तो वेट लॉस कभी नहीं हो सकता, अगर पेट ठंडा है, कूल है, तो जितनी भी गंदगी है वो पेट से बाहर निकाल के फेंक देगा। कैसे लेना है, दिन में कितनी बार लेना है, वो सारी चीज़ें। और ये रैंडम सा वीडियो इसलिए है बिकॉज मैं अपने लिए पर्सनली ये ग्रीन टी रेडी करने जा रही थी, इसीलिए मैंने सोचा आप लोग के साथ भी वीडियो शेयर कर दूँ, बिकॉज मुझसे बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि ग्रीन टी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, मुझे जलन की प्रॉब्लम है, मेरा पेट गर्म है, मेरी बॉडी गर्म है, तो किस तरह से हम ग्रीन टी लें, तो चलिए दिखाती हूँ। तो इसके लिए लेना है आपको एक पैन, और पैन में डालना है कॉफ़ी मग जो होता है, यानी और मैं अगर ml में बात करूँ तो 200 ml या 250 ml तक आपको पानी लेना है। उसमें डालना है सौंफ, बिकॉज सौंफ में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो एक इंसान के हेल्दी रहने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सौंफ की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए गर्मी में इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी की मात्रा होती है और इसमें ज़रूरी मिनरल्स लाइक कैल्शियम, सोडियम, आयरन और पोटेशियम भी पाए जाते हैं, जो आपको हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही कारगर उपाय है, जैसा कि मैंने बोला। और आप लो, ठंड में भी लो, बिल्कुल भी आपको ठंड नहीं लगेगी। और मैं आपको बताऊं ना कि आज के समय में वेट लॉस करना कोई आसान काम नहीं है, साथ ही साथ खराब लाइफस्टाइल और लापरवाही का असर कई बार लोगों के वजन पर भी पड़ता है, बाहर का खाना या फिर टाइम से भोजन नहीं करना भी वेट लॉस में बाधा डालता है, ऐसे में सोशल लाइफ के बिना इफेक्ट किए अपने वजन को कंट्रोल करना मुश्किल है। अधिकतर लोग भोजन के बाद सौंफ खाते हैं, जिसे फेनल सीड्स भी बोलते हैं, ताकि मुंह की बदबू दूर हो जाए। सौंफ सिर्फ माउथ फ्रेशनर का काम नहीं करता, बल्कि इसे खाने से शरीर की कई समस्याओं का इलाज भी किया जा सकता है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप इसे खाओ। और आपको सौंफ जो है ज़्यादा खाने, यानी ओवर ईटिंग से भी आपको ये रोकती है, आपके मेटाबॉलिक रेट को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करती है, आपके बॉडी पे चर्बी यानी कि फैट को बिल्कुल भी जमने नहीं देता है, वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करता है। और इसे आप रात में पानी में भिगो के सुबह बॉयल करके खाली पेट भी ले सकते हो, ग्रीन टी के साथ भी ले सकते हो, जस्ट ज़्यादा आपको तेज़ी से मेटाबॉलिक रेट अच्छा करना है, वेट लॉस करना है, रात में भिगो दो, सुबह हल्का सा गुनगुना करके दो ग्लास पानी पियो। और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैं अगर बताऊँ कि किचन का ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, तकरीबन हर घर में इसका यूज़ होता है और मसाले के तौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया भी जाता है, लेकिन इसका इतना अच्छा रोल शायद आपको भी ना पता हो। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा करता है, आँखों के लिए बहुत बढ़ाता है। यदि रोज़ भोजन के बाद एक चम्मच सौंफ का सेवन किया जाए या आधा चम्मच सौंफ का चूर्ण एक मिश्री के साथ मिलाकर रात भर को
सोते समय दूध या पानी के साथ लिया जाए तो इससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। जी हाँ, वजन को बहुत तेजी से कम करती है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा सौंफ का पानी रेडी है। अब हम एक ग्रीन टी लेंगे, कोई भी ग्रीन टी, आप शहद वाली ग्रीन टी ले सकते हो, लेमन टी, कोई भी ग्रीन टी ले सकते हो, लेकिन सैशेट वाली। तो इस तरह से आपको एक ग्रीन टी लेनी। मैं ग्रीन टी पीने का तरीका बता रही हूँ, आप नॉर्मल सौंफ का पानी भी ले सकते हो। और ग्रीन टी लेना, देन उसके बाद ये सीड्स जो है ना ये आपको डालना है, लेकिन ये ट्राई करना कि आप 3 से 4-5 दिन लेना, उसके बाद ये दाने मत लेना, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल आप इसे स्ट्रेन करके ही लेना, लेकिन शुरुआत के 3-4 दिन आप इसे ऐसे ही सीड्स के साथ लेना, जो कि बहुत टेस्टी लगती है आपको। आई थिंक सौंफ का जिन्होंने ट्राई किया उनको पसंद होगा, जिन्होंने नहीं ट्राई किया एक बार ट्राई करना। सौंफ के दाने जब आपके दांतों के नीचे आएंगे बहुत टेस्टी लगेंगे। इस तरह दिन में 3 बार जब भी खाना खाएं उसके बाद। मुझे अभी निकलना है एक हल्दी फंक्शन में, और जस्ट उसका भी वीडियो आएगा आपको मेरे दूसरे चैनल पर, लिंक मैं चैनल का नीचे दे दूंगी, जाके चेकआउट कर लेना। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर की है, वो रेसिपी अगर विदाउट ग्रीन टी आप लोगे तो मिल्क सप्लाई बूस्टअप होगी। तो जिन माओं को मिल्क सप्लाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है वो इसको ले सकते हैं, बहुत अच्छा मिल्क सप्रेशन आपका होगा, और साथ ही साथ वेट लॉस बहुत अच्छा होगा, फैट लॉस बहुत अच्छा होगा। रेसिपी बहुत ही सिंपल सी, आप दिन में बना के सौंफ का पानी रख लो, जब भी ग्रीन टी लेना हो उसे हल्का सा बॉयल कर लो। और वीडियो जरा सा अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।